टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस समय मौजूद है मुंब्रा के रेती बंदर पर, और आपको बता दें ये रेती बंदर परिसर को जो है एक खूबसूरत चौपाटी बनाने का जो है निर्णय कई साल पहले लिया गया था। जो यहाँ के गृह निर्माण मंत्री हैं जितेंद्र आभाड़, उन्होंने यहाँ पर चौपाटी बनाने की बात कही थी। बहरहाल ये प्रोजेक्ट जो है कई सालों से लटका हुआ है, यहाँ पर काम नहीं शुरू किया जा रहा था, और आज जो है तमाम नगर सेवक, विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान यहाँ रेती बंदर के पर जो है आके इसका दौरा किया। और दरअसल शानू पठान ने बताया कि ये जो चौपाटी बनाने का काम यहाँ पर शुरू किया जाना है, ये जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। और स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं मनु कुमार, उनसे भी जो है इन्हें शिकायत की है कि जल्द से जल्द जो ये चौपाटी बनाने की प्रोजेक्ट है इसे बनाकर पूरा किया जाए। 14 दिन का समय जो है, विरोधी पक्ष ने नेता अशरफ शानू पठान ने बताया कि 14 दिन के अंदर जो है यहाँ पर काम शुरू किया जाए, क्योंकि विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान का कहना है कि ये प्रोजेक्ट कई सालों से यहाँ पर लटका हुआ है और इसका काम शुरू नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या कहेंगे शानू भाई, जिस तरह से ये प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से लटका हुआ है, इस पर काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब आप लोगों ने स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं मनु कुमार, उनसे आपने शिकायत की है, इस पर जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए कहा है? देखिए, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मुझे डायरेक्टर बनाया गया। स्मार्ट सिटी की मीटिंग में कल जब मीटिंग थी तो मनु कुमार जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो जब सब विषय स्मार्ट सिटी के लेकर रहे थे तो मैंने उनसे सबसे पहले वही पूछा कि मेरी जानकारी के अनुसार 30 स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काम चल रहे हैं, जिसमें से 15 पूरे हो गए और 15 काम चालू है। सिर्फ उस उन 30 में से 5 ऐसे काम हैं जो पेंडिंग है, जिसमें से पहला पार्सिक चौपाटी हमारा कलवा मुमरा का। डॉक्टर जितेंद्र आवाज जी का ये सपना था, जिन्होंने जोशी मैडम के साथ मिलकर इसे एक डिज़ाइनिंग में दिया था। तो आज क्या कुछ संबंधित अधिकारी नहीं चाहते कि ये खूबसूरती बनाई जाए, और कई करोड़ रुपए लगा के इसे 70% में लाके क्यों छोड़ दिया गया? प्रशासन अगर ठान ले तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं। स्थानिकों के मुद्दे को निपटा के, मैं ये नहीं बोलता कि स्थानिकों के मुद्दे को ना किनारा कर दिया जाए, उनको विश्वास में लेके उनका निपटारा करके उनका पुनर्वसन करके काम कर दिया जाए। 14 दिन का अल्टीमेटम मिला, अगर महापालिका ने 14 दिन के अंदर स्मार्ट सिटी के अंदर ये काम शुरू नहीं की तो आने वाली स्मार्ट सिटी के अंतर्गत महासभा और महासभा के बाद बहुत बुरा हंगामा मैं करने वाला हूँ। और इसको मिलकर हम सब स्थानिक कॉरपोरेटर को विश्वास में मैंने बात किया हूँ, बहुत बुरा हंगामा होने वाला है। लेकिन मुझे यकीन है, मनु कुमार जी ने सूचना दी है, आयुक्त साहब, महापौर साहब इस पर पॉजिटिव है, बहुत जल्द ये रुका हुआ काम चालू होगा। और इस हमारा जो इस चौपाटी के बनने से थाने महानगर पालिका और महाराष्ट्र और हिंदुस्तान में नाम होगा। नहीं, चलिए मान लेते हैं 2-2.5 साल से कोविड है, लेकिन इसके पहले जब ये प्रोजेक्ट आया था तो आखिर इतनी तेजी से काम क्यों नहीं हुआ? यही तो मेरी कंप्लेंट है, क्यों आखिर अधिकारियों ने क्यों नहीं किया? सर, यूं वजह पूछा आपने उनसे? सर, यही तो वजह, आपने वजह पूछा अधिकारियों से? समझ रहे नहीं, यही तो मेरी तकरार है कल का, मेरे जो कल मैंने सबसे बड़ी तकरार मैंने मनु कुमार जी को बोला कि क्यों नहीं कर रहे, क्या प्रशासन ये चाहती है? कुछ रीजन बताया होगा ना उन्होंने, क्या प्रशासन ये चाहती है कि ये काम को कम्प्लीट ना किया जाए? क्या ऐसे कुछ लोग मड़कमला रहे, इसको रोक रहे? तो ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस काम को शुरू करने के लिए दिन रात एक कर दिया जाएगा। अब इस काम को शुरू होने के लिए 14 दिन का वक्त मिला है, निपटारा करके इस काम को शुरू किया जाए। हमारे जो विरोधी पक्ष नेता है डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब के मार्गदर्शन में शानू भाई ने कंप्लेंट की थी, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनु कुमार उनको तकरार की गई थी कि ये प्रोजेक्ट बहुत टाइम से रखड़ा हुआ है और ये स्मार्ट सिटी अंतर्गत है। तो शानू भाई ने खुद प्रिंसिपल साहब से उनसे बात की थी और आज उन्होंने ही यहाँ के टीएमसी के जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी है उनको यहाँ पे बुला के यहाँ पे हमने दौरा किया है और आने वाले 15 दिन में ये काम जो भी पेंडिंग काम है वो निपटा के ये काम शुरू करवाने के लिए उन्होंने टाइमिंग दिया है। तो आपने सुना कि जो विरोधी पक्ष नेता है अशरफ शानू पठान, उन्होंने कहा है कि 14 दिन का जो बहरहाल समय है, 14 दिन के अंदर काम शुरू होना चाहिए इसका, और अगर 14 दिन के अंदर काम नहीं शुरू हुआ तो इसके खिलाफ फिर उनका कदम जो है आगे बढ़ेगा, वो आंदोलन भी करेंगे, ऐसी जानकारी इन्होंने दी है। कैमरामैन नीलेश के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।